नमस्कार दोस्तों, आज जो है 16 जनवरी 2022 है और कल HDFC बैंक के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। तो बहुत एक लंबी बहस छिड़ी हुई है कि 18,300 बाजार क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ से करेक्शन आएगी, यहाँ से अपसाइड आएगी। तो आज इस वीकेंड पे हम जो है मार्केट को एग्जामिन करेंगे अलग-अलग तरीकों से और एक तरह का ट्रेड प्लान निकालने की कोशिश करेंगे कि किन लेवल्स के ऊपर हमें बुलिश रहना चाहिए, किन लेवल्स के ऊपर हमें बेरिश नीचे हमें बेरिश रहना चाहिए। उससे पहले हमारे पास एक बहुत बढ़िया सर्विस है टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम निफ्टी और स्टॉक कॉल्स देते हैं इंट्राडे और बिल्कुल फ्री है। फ्लैगशिप हमारी ज्वाइन बटन सर्विसेज वहाँ दी जाती हैं। तो हमारे लिंक्स के थ्रू आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उनके थ्रू ट्रेड करना होगा। तो आप उससे एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े जाएंगे जहाँ आपको ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। टाइम टू टाइम हम कुछ वेबिनार भी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे पास लिंक्स हैं जीरोधा, 5 पैसा और आप स्टॉक्स के, और वहाँ पे आपको ज्वाइन करने के बाद ये सर्विसेज दी जाएंगी। तो इसके बारे में ज़रूर सोचें और ज्वाइन करें। जिन लोगों ने किया है उनको अच्छा फ़ायदा हुआ है, और जो बातें हम ट्विटर पे कहते हैं वो अक्सर हम वहाँ जो है टेलीग्राम चैनल पर पहले कहते हैं। कुछ अच्छे चार्ट्स भी शेयर करते हैं, तो बहुत नॉलेज भी मिलता है और अच्छी जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पे हमने क्या किया है, ये दो इंडिकेटर लगाए हैं। एक है स्टोकास्टिक 14 पीरियड जो नॉर्मल होता है, और एक है ADX 14 पीरियड जो कि नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखें तो पिछले हफ्ते में 3 बार हम नीचे खुले और वापस जाके अपर साइड पे बंद हुए। अब एक बहुत बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और करेक्शन के टाइम वो साइडवेज जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो ऑफन वो वापस ऊपर की तरफ जाता है। एक कमजोर प्राइस जो है वो करेक्शन में साइडवेज नहीं आता, वो नीचे आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो नंबर एक तो सीधी सी बात है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, ठीक है, इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि FII सेलिंग हो गई, ग्लोबल मार्केट कमजोर हो गए, फिर भी आप रेंज के अपर साइड पे ही बंद हो रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टोकास्टिक क्या कह रहा है। ये डेली चार्ट है। स्टोकास्टिक में अगर आप पीछे देखें तो जब भी स्टोकास्टिक कंसिस्टेंटली ओवरबॉट जोन में चलता है, जैसा कि यहां चल रहा है, तो आपको एक बड़ी अपसाइड मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ट्रेंड है उसी टाइप का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड लगता है। इसके बनिस्पत ये जब हम करेक्ट हो रहे थे तो काफी एक अप एंड डाउन टाइप का स्टोकास्टिक था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। अब अगर हम ADX के थ्रू इस चीज को देखने की कोशिश करें तो ADX भी जो है यहां से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड जो है आपका मजबूत हो रहा है, कमजोर ट्रेंड नहीं है। तो ये 20 के आसपास से वापस ये 23 के ऊपर जा रहा है। अब वीकली ट्रेंड देखते हैं, वीकली ट्रेंड कैसा है। ये है आपका वीकली ट्रेंड, जहां पे पिछले 3 हफ्ते से
बहुत मजबूत अपसाइड देखने को मिली है, मतलब सॉलिड ग्रीन बार्स मिली है, नंबर वन। नंबर टू कि आप जो है एडीएक्स नीचे आया है लेकिन अभी भी 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दर्शाता है। स्टोकास्टिक जो है अपनी एक करेक्शन पूरी करके अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है और उसमें अभी और रूम बाकी है। फिर से यहाँ पे नोट करें कि अपर साइड पे जब स्टोकास्टिक कंसिस्टेंटली रहता है तो बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वीकली में भी कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब एक मंथली ट्रेंड भी हम देखते हैं। मंथली में भी आप देखें तो ये करेक्शन के बावजूद स्टोकास्टिक कभी भी नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ ही चल रहा है। मंथली में आपका एडीएक्स भी 35 से ऊपर चल रहा है। तो इस सब को देखते हुए मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं नजर आता कि बाजार ऊपर नहीं जाने चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है और इसमें उल्टे सीधे एफआईआई फिगर वगैरह से हर रोज घबराहट में लोग बेचते हैं और शाम तक मार्केट फिर वापस आ जाता है। तो यही काम हम अब बैंक निफ्टी के साथ कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो एक दिन की रेड कैंडल पे बहुत से लोग बेरिश हो गए थे। मेरे हिसाब से ये भी अभी तक स्ट्रांग है। यहाँ भी स्टोकास्टिक जो है डेली चार्ट पे अपने ओवरबॉट जोन में, ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता यहाँ से नीचे आ जाएगा, ओवरबॉट का मतलब है कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे आप अभी भी 25 के ऊपर हैं एडीएक्स पे, तो ये भी एक स्ट्रांग मार्केट का साइन है। तो ऐसा कोई लंबी चौड़े यहाँ पे वीकनेस नहीं नजर आ रही। अगर हम वीकली में जाएं तो वीकली में एडीएक्स 20 के नीचे आया था, अब फ्लैट होके वापस ऊपर जा रहा है। स्टोकास्टिक भी जो है अपनी एक करेक्शन कंप्लीट करके वापस इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ये सब देखने का मतलब क्या है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे बाजार स्ट्रांग है तो बहुत अनलाइकली है कि लोअर टाइम फ्रेम पे कमजोर हो जाए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी कमजोरी आएगी वो बाय इन हो जाएगी। सिमिलरली ये मंथली देखें, मंथली में आप बहुत इजीली अभी भी 30 के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ भी स्टोकास्टिक जो है 70 के आसपास है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट दर्शाता है। अब यहाँ पे हम कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स लेंगे। मैंने टॉप 10 स्टॉक्स लगाए हैं जो कि 70% निफ्टी आपका दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट जो है निफ्टी के वो 70% यहाँ पे। अब ये देखें, ये रिलायंस है। मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चार्ट देखने में नहीं आया। ये जो है इसमें एक अच्छी करेक्शन आई और उस करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज से ये ऐसे मुड़ना शुरू हो गया। यहाँ भी जो है स्टोकास्टिक आपका ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो यहाँ भी ट्रेंड स्ट्रांग है। नीचे से एडीएक्स घूमा है और वापस आपको एक ट्रेंडिंग अपसाइड दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी करेक्शन कंप्लीट हो गई है। 2 दिन इसमें कुछ डाउनसाइड आई थी लेकिन अभी भी ये 200 DA में होल्ड कर रहा है। ये जो एवरेजेस हैं ये 520 और 200 हैं। तो एचडीएफसी बैंक भी जैसे भी नतीजे हैं, ऐसा नहीं लगता कि फ्रॉम अ चार्टिंग एंगल ये कोई बहुत कमजोर स्टॉक है। इंफोसिस आप देखें तो नतीजों के बाद न्यू हाई लगाया है, ये कहीं से भी कमजोर नहीं है। यहाँ भी एडीएक्स नीचे से वापस रैली कर रहा है।
टीसीएस देखें, अगेन यहाँ पे नतीजों के बाद जो है बढ़िया अपसाइड एक्शन आपको देखने में मिल रहा है। एचडीएफसी जो कि एफआईआई फेवरेट है, वहां पे एफआईआई की सेलिंग भी है, लेकिन यहाँ भी एक हद तक आप ये कह सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये वापस अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रुझान है। जो भी एफआईआई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत दबाव रहेगा क्योंकि ये उनके फेवरेट स्टॉक्स हैं, बट ऐसा कोई वीकनेस या प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। आईसीआईसीआई बैंक देखें ये कितने एक स्ट्रॉन्ग एटीएक्स में है, स्टोकास्टिक यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रंट लाइन हैवीवेट टाइप स्टॉक्स हैं उनमें बहुत खास कमजोरी नहीं है। हिंदुस्तान लीवर में जो है ये नेगेटिव बार बनी है, 200 के नीचे है, तो इसमें थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है, बट ये भी ऊपर से काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। कोटक में करेक्शन के बाद आप देखें कि ये लोअर लेवल से फ्राइडे को इसमें भी अपसाइड नजर आई है, तो हायर लो बनाने की कोशिश कोटक भी कर रहा है। यहाँ भी स्टोकास्टिक जो है आपका ऊपर की तरफ सेटल हो रहा है। भारती भारती में भी ये एडीएक्स ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, तो शायद एक अपसाइड ट्रेंड शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी हमने बुधवार को बहुत बढ़िया एक अपसाइड बार देखी थी, जिसके बाद ये 20 और 5 पीरियड एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईटीसी मोटा मोटा रेंज बाउंड रहता है, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं, लेकिन अगर टॉप 10 हैवीवेट्स देखें तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो मुझे फिलहाल कोई कमी नहीं नजर आती इंडेक्स में। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे 18140 पे पिवट है, इस पिवट के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम वीकली पे हम बैंक निफ्टी में पिवट देखें, यहाँ भी S1 जो है 37,925 है, तो अगर हम S1 का एक मोटा मोटा स्टॉप लें तो S1 डेली पे है कुछ 18,000 और वीकली पे है 37,925, तो ये आपके ब्रॉडली वो होने चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो डेली पे आपका जो पिवट आ रहा है वो 18,220 पे आ रहा है, 18,154 आपका S1 है, और सिमिलरली बैंक निफ्टी पे 38,100 पे आपका S1 है और 38,275 पे आपका पिवट है। तो दोनों के आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो 38,100 का स्टॉप इंट्राडे में लगाएं और 18,150 का स्टॉप इंट्राडे में निफ्टी पर लगाएं, और किसी तरह का अगर गैप डाउन मिलता है तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखें एनालिसिस ऐसे ही होता है। अब इंट्राडे वॉलेटिलिटी आपको जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बट जैसे ही हम 18,300 से ऊपर जाएंगे आपको 200-250 पॉइंट और मिलने चाहिए। मुझे नहीं लगता ये जो डायर फोरकास्ट हैं कि डिक्लाइन हो जाएगा, ये गिर जाएगा, इसमें मोमेंटम लॉस है। मोमेंटम लॉस है तो प्राइस नीचे आना चाहिए, प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। तो बाजार में जो आपको नजर आ रहा है उस पे एक्ट करें, उस पर नहीं जो आपको लग रहा है, जो आपके अंदर बायसेस हैं। मेरे हिसाब से S&P 500 भी जो है अगर उस पे भी हम एक नजर डालें
फ्राइडे को ये गैप डाउन हुआ और अंत तक आते आते अगर हम इसमें 5 मिनट का चार्ट देखें तो ये अपने ओपनिंग हाई से ऊपर बंद हुआ है। तो यहाँ आपको बहुत बढ़िया एक अपसाइड नजर आई है और डेली चार्ट पे आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी होल्ड हो रही है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से जो S&P 500 है वो भी उसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। छोटा सा डाउन स्विंग आया जो कि अब जो है ऊपर की तरफ रिजॉल्व हो रहा है। नैसडैक कंपोजिट अगर हम देखें तो नैसडैक में भी ये डबल बॉटम टाइप का सिनारियो है। यहाँ पे इस तरह के हालात में चीजें बॉटम आउट होती हैं। जो भी नेगेटिविटी थी काफी हद तक प्राइस्ड इन है। तो अगर ग्लोबल मार्केट ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम भी यहाँ पे ग्लोबल सपोर्ट मिलने से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा अच्छा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस थोड़े से एनालिसिस से आपके माइंड को एक तरफ सेट करने में कुछ मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कल की आपकी ट्रेडिंग अगले हफ्ते की अच्छी जाए। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय ज़रूर लें इससे पहले कि आप इस एनालिसिस पे एक्ट करें।